अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग पपीता दाल। ये बहुत इजी एंड सिंपल है, आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। और आज इसमें मैं ऑनियन और जिंजर का यूज़ नहीं करूँगी और ये एकदम सिंपल है, ये आपका 5 मिनट्स में बन जाएगा। सबसे पहले मैंने दाल लिया, दाल को अच्छे से वॉश कर लिया, प्रेशर कुकर में मैं रख दी हूँ। देन मैंने पपीता लिया है और इसे कट कर ली हूँ और इसे मैं कुकर में डाल रही हूँ, प्रेशर कुकर में। देन मैंने 2 कप्स वाटर ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। देन मैं 2 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। देन मैं सॉल्ट लूँगी, वो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना। नेक्स्ट मैं टर्मरिक पाउडर ले रही हूँ 1 टीस्पून और इसे मैं रफली मिक्स कर ले रही हूँ। देन मैं गार्लिक और मैं ग्रीन चिली एक चॉपर में डाल देती हूँ और इसे फाइन चॉप कर लेती हूँ छौंका मारने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा फाइन चॉप्ड हो गया, मीन्स खड़ी खड़ी होनी चाहिए। देन मैं करी पत्ता ऐड करूँगी, ये मेरा करी पत्ता है। देन मुझे मस्टर्ड सीड लेना है, ये मेरा मस्टर्ड सीड है और ये मेरा तो फाइन चॉप्ड किया हुआ है। देन मैं इसमें ही छौंका देती हूँ, तो ये मेरा पैन थोड़ा गर्म हो गया। देन मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये मेरा दाल हो चुकी है जिसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया है और एक तरफ मैंने अपना छौंका पूरा तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरा ऐड हो चुका है और ये मेरे दाल का फाइनल लुक है, पपीता दाल। ये सिंपल एंड ईजी है, आप 5 मिनट्स में बना लोगे, कोई हार्ड काम नहीं है ये। और टेस्ट वाइज बहुत टेस्टी लगते हैं, आप बनाएं एक बार ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।